गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो गई है। वाह ऑसम, दिस इज कॉल्ड ऑसम। गजन, हे एडी, गुड मॉर्निंग बेटू। बेटू गुड मॉर्निंग। अरे बस कर भाई, कल रात को सोते सोते हमें ऑलमोस्ट 3 बज गए। क्यों? क्योंकि एडी को भाई बहन मिल गए। एडी को भाई बहन मिल गए, हमें भाई बहन मिल गए। तो वी केप्ट टॉकिंग। वो होता है ना, जब बहनें आती हैं या भाई जाते हैं, मतलब जब इकट्ठा होते हैं बहन भाई, तो बहुत बातें होती है, बहुत ज्यादा रात रात भर। हमें जिस मीटिंग में जाना है वो थोड़ा लेट से है, अदरवाइज अभी हालत ही खराब। यार थैंक गॉड 11:30 बजे। बट यार मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे जो लग रहा है, कंचन आ जाओ, वो ये लग रहा है कि वो सामने एक बड़ा सा एयरक्राफ्ट है, बस मन कर रहा है चलें यार, चलाने को मिल जाए वो एयरक्राफ्ट। और एक तो ये अच्छा लगा मुझे, सामने ये नोवोटेल है, इसमें रुके हुए हमारे चीफ गेस्ट दूसरे होटल में क्यों रुकते हैं? अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। वैसे ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं है, हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट कर लेते हैं सुबह सुबह 7:30 ऑलमोस्ट, बट आज हम लेट हो गए। आई गेस वी आर ऑन द रॉन्ग वे, हमें उधर जाना है। वेट फॉर मी। या okay, well, I was thinking we should be on time because we will miss his speech, like, you know, whenever yes. they enter. Yes. The entry yes. matters. That's fine. So, वैसे आज मिलने के सवाले हैं, बता दें आपको। नाम है विवेक ओबेरॉय, नाम तो सुना होगा आपने। विवेक ओबेरॉय, हाँ जी, प्रिंस। तो हम आज उनसे मिलने वाले हैं और उनसे हमारी मुलाकात होने वाली है। जरूरी चीजें हैं, जरूरी बातें हैं उनसे होने वाली। हाय गाइस, सो वी हैव रीच्ड एट द वेन्यू जहाँ पे हमारा मीटअप है विवेक सर के साथ। यू कैन सी द बैकग्राउंड एज वेल, द स्टेज एंड एवरीथिंग। शी इज सिटिंग हियर, शी इज जस्ट रिलैक्सिंग। You are feeling cold? No, that's what I'm thinking. What will she अब इसके हिसाब से करना पड़ेगा, इसको तो ठंड लगेगी। Hey, don't miss it. Hi. Hi, hi. Check. Didi. Kanchan, फटाफट। We don't have that much time. This way. And be careful. She needs pasta. This is fun. Take it, Daddy. Come on, cool chai. Okay, take this. कुछ ये मैंने खत्म कर दिया। ये खाना भी चाहिए। एक अच्छी बात ये है कि 5-star होटल में है, आपको सिर्फ की क्वालिटी उधर बहुत अच्छी होती है, खाना मज़ा आ जाता है। कंचन के हाथों से खा के मजा ही आ जाएगा कुछ और ही। सो गाइज वी आर ऑल सेट, आर यू रेडी और नॉट रेडी? गेट रेडी बेटा। तो कैसी लग रही है एडी, मुझे देख के बताओ। आई मीन एडी को देख के बताओ ना कैसी लग रही है, प्लीज। लेट मी ट्राई द बेल। ओके, सो गाइस फाइनली हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। बाय बाय, सीनिक व्यूज। सो लव यू गाइस, चेकआउट कर रहे हैं। कंचन को दिखा दूं, कंचन कैसी लग रही है, आ जाओ। कम ऑन कंचन मैन, कम ऑन। आर यू श्योर वी टू कैप मीटिंग? यस। With your due permission, can I take Nescafe? Oh yeah, of course. So guys, आज chief guest ओबेरॉय ही है, विवेक ओबेरॉय सर, और वो आ गए हैं और अभी हम आप सबको मिलवाते हैं विवेक ओबेरॉय सर से।
Let's welcome our chief guest. Everybody, please put your hands together. Thank you so much, sir, for your presence. Thank you for delighting the event. I request all of you to kindly be seated. इसको तोड़ना बहुत आसान होता है, जोड़ना बहुत मुश्किल। I can say that they teach English to 1% of Indian population. किसी को लगता है 1% कौन सी बड़ी चीज़ है? That is more than population of most countries in this world. और इनका अभी दूसरा एक चैनल है, उसमें कल 1 million हुआ, सबके साथ celebrate हुआ. Videos that she shoots with her mother are very popular and viewership usually goes to maybe 80 million, 70 million that level. He always talks in English. आप author हैं? आपने किताब भी लिखी? You've written a book? We are very proud of, you know. क्या ही बोले कि कंचन ने जिस तरीके से पाला है इसे, भिक्षा भिक्षा दी है. अभी सर जब बोल रहे थे कुछ देर पहले, मैं जब सर को सुन रहा था, मेरे आँख में आंसू आ गया कि सर के इतने अच्छे थॉट्स हैं. ऐसी कंपनी में अगर आप जुड़ जाओ तो आप अपने आप जुड़ जाओगे. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आज मुझे मौका मिल रहा है कुछ बोलने का. एक स्टेज को इतनी बड़ी पर्सनालिटीज के साथ शेयर करना ही सबसे बड़ी बात होती है. बाकी हर कोई अपना काम कर रहा है, मेरा केवल एक ही एम, एक ही विजन रहता है कि जो भी चीज़ मैं सिखाती हूँ वो समझ में आ जाए. दैट्स इट. आई गेस यही एक तरीका है, टीचर का यही काम है कि वो बस सिखा सके और यही हमारा जॉब ही है. कभी भी मेरी मम्मा ये हमेशा बोलती हैं कि विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको जितना बांटोगे उतना बढ़ता है. वो चीज़ सीखा और विद्या बांटना शुरू किया और भगवान की कृपा से लोगों तक विद्या भी पहुंच रही है और साथ ही साथ हमें भी फायदा हो रहा है. सो गाइस, ये बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से थक गई है एडी. और ये देखिए, थोड़ा सा तो कैप्चर कर ही सकते हैं. दो तीन और हैं यार बेचारे, वो कहेंगे कि कोई बात नहीं प्लीज. सो गाइस, वी आर ऑल सेट टू गो एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मिलते हैं एक नए ब्लॉग में. टिल देन बाय बाय.